बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली टेस्ट के बाद पहले कप्तान पैट कमिंस पारिवारिक कारणों की वजह से घर लौट गए। उनके अलावा अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के 4-5 अन्य खिलाड़ी भी सीरीज से बाहर हो रहे हैं। पहले ही सीरीज जीतने की उम्मीद खो चुके ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड खराब फिटनेस की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया वापस जाकर अब वो अपनी रिकवरी पर काम करेंगे। उनके अलावा मैट रेंसा और एस्टन एगर को भी वापस ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है, क्योंकि दोनों ने ही आने वाले दो टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल होने के चांस खो दिए हैं। कप्तान पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इंदौर टेस्ट के पहले वो वापस आ सकते हैं। जोस हेजलवुड, मैट रेंसो और एस्टन एगर के अलावा डेविड कॉर्नर भी संकट में है। वार्नर को दिल्ली टेस्ट में चोट लग गई थी, जिसके बाद 20 मैच में उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्क्वाड के करीब करीब 5 खिलाड़ी वापस घर लौटने की कतार में है। सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के बड़े बड़े दावा कर रही थी कि भारत में जीत की बातें कर रही थी, लेकिन शुरुआती 2 मैचों में ही हथियार डाल दिए और नागपुर के बाद दिल्ली में भी बुरी तरीके से हार हासिल की। ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच एंडर्स मेलडोनाल्ड ने भी कहा कि हम भारत को पढ़ने में गलती कर गए और हमारी टीम पूरी तरीके से फ्लॉप रही। इंदौर टेस्ट को लेकर कंगारू टीम के कोच ने कहा कि हमें आगे की रणनीति शार्प करनी चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए, ताकि कि हम अपने प्लान पर अच्छी तरीके से वर्क कर सके। आपको बता दें कि दिल्ली में 6 विकेटों से टेस्ट हार कर टीम इंडिया अब तीसरे टेस्ट के लिए 1 मार्च से 5 मार्च के बीच इंदौर में टेस्ट मैच खेलेगी। उसके बाद 4th टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 9 से 13 मार्च के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।